फालतू की आंखों का ऑपरेशन हो गया है और उसे पता चल चुका है कि 20 लाख का इंतजाम और कोई नहीं बल्कि अयान और तनिषा ने की है। और अब क्योंकि उसके बाबा को हार्ट अटैक आई है और डॉक्टर ने बोला है एंजियोप्लास्टी करनी होगी क्योंकि उनकी जान खतरे में है, तो अब फालतू वापस मुंबई आई है इत्तरपुर से पैसों का इंतजाम करने। पर उसकी मुलाकात वापस से होती है अयान मित्तल के साथ और वो अयान से वादा करती है पाई पाई चुकाने की और कोई एहसान नहीं लेने की अयान और उसके परिवार से। अयान फालतू से पूछता है कि आखिर उस अनपढ़ गंवार को कौन रखेगा नौकरी पर और वो पैसे कैसे कमाएगी, और इस पर फालतू पूरे जोश के साथ बोलती है कि वो कोई भी काम करेगी पर पैसे कमाएगी और अयान को वापस करेगी जो उसने खर्च की है। और उसके लिए बोलती है कि अगर फालतू को किसी के घर पर नौकरानी का भी काम करना पड़े तो भी करेगी और पूरी अक्कड़ में रहती है। तभी अयान उसे बोलता है कि क्या वो नौकरानी बनने के लिए तैयार है, और दोनों एक दूसरे को आंखों में देखते हुए फालतू बोलती है हाँ। और तभी अयान फालतू को बोलता है कि अगर नौकरानी बनना है तो उसी के घर में काम करने, और फिर फालतू को पूछता है कि क्या ये सुनकर फालतू घबरा गई। पर फालतू पूरे जोश के साथ एक बार फिर बोलती है कि अयान की शर्त मंजूर है और वो उसके ही घर पर नौकरानी बनकर काम करेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि कैसे फालतू अयान के साथ एक ही छत के नीचे नौकरानी बनकर रह पाएगी या और कुछ होने जा रहा है। बाकी अपडेट्स के लिए देखिए फालतू बॉलीवुड स्पेशल्स पर।